हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एक चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बेसिकली जो पोर्शन है चैप्टर का, इसमें हमें ये बताया गया है कि फीमेल के जर्म सेल्स मेल के जर्म सेल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और उसके बाद आगे क्या क्या होता है। So, स्टार्ट करें। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल के जर्म सेल्स या फिर एग्स हैं वो कहां पर बनते हैं? ओवरीज के अंदर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। फीमेल के एग्स या फिर जर्म सेल्स वो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फीमेल के जर्म सेल्स यानी कि एग्स होते हैं वो ओवरीज के अंदर बनते हैं और वो किस चीज के लिए और रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लुक एट फिग 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. जब एक लड़की का जन्म होता है तो जो ovaries होते हैं वो naturally thousands of immature eggs को already contain करते हैं। जब एक girl का जन्म होता है, जब एक लड़की born होती है तो उसकी जो ovaries होते हैं उसके अंदर already thousands of immature eggs होते हैं। On reaching puberty, some of these start maturing. जब लड़की puberty की age में जाती है तो ये eggs naturally अपने आप ही mature होना चालू कर देते हैं। One egg is produced every month by one of the ovaries. एक egg हर महीने produce होता है हर एक ओवरी के ओवरी से। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। जो ओवरी से निकला हुआ एग होता है वो वोम्ब तक किससे पहुंचाया जाता है? ओविडक्ट से। अब फीमेल बॉडी के अंदर एग प्रोड्यूस हो चुका है ओवरी से, तो अब जो एग है वो ओवरी से वोम्ब यानी कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वोम्ब, एग ओवरी से वोम्ब तक ओविडक्ट से पहुंचाया जाता है या फिर फेलोपियन ट्यूब से। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूरेट्रस। ओविडक्ट दो होते हैं और वो आपस में यूनाइट करते हैं, मतलब आपस में मीट करते हैं कहां पे? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम कहते हैं यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजिना थ्रू द कर्वेक्स। जो यूट्रस है वो वेजिना के अंदर ओपन हो जाता है किसके वजह से? कर्वेक्स की वजह से। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फिर स्पर्म्स वेजिना से पास होते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। अब जो स्पर्म्स हैं वो अपवर्ड ट्रेवल करते हैं। अब जो स्पर्म्स मेल और फीमेल के सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना के अंदर, तो वो स्पर्म्स अपवर्ड मूव करते हैं वेजिना के अंदर और कहां तक पहुंच जाते हैं? ओविडक्ट तक, जहां पर वो एक एग को एनकाउंटर करते हैं, एक एग प्रोड्यूस करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग द जायगोट। अब जो एग
प्रोड्यूस करा है स्पर्म्स ने, वो फर्टिलाइज्ड एग हो चुका है और वो जायगोट में कन्वर्ट होने जा रहा है, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब जो स्पर्म है उसने एको प्रोड्यूस करा है, अब वो एग फर्टिलाइज हो गया है, जायगोट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और अब जो वो जायगोट यानी कि एग है वो कहां पर इम्प्लांट होता है, लाइनिंग ऑफ यूरेट्रस पे इम्प्लांट होता है एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। अब वो यूट्रस की लाइनिंग पे इम्प्लांट हो गया है और अब उसके बाद इम्प्लांट होने के बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइंड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप सबने भी इस चैप्टर में पढ़ा होगा पहले कि जो मदर की बॉडी होती है वो पहले से ही ऐसी डिजाइन होती है कि वो बच्चे की डेवलपमेंट कर सके। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. अब जो यूट्रस है वो अपने आप को अपने आप ही प्रिपेयर कर लेता है हर एक महीने में। किस लिए प्रिपेयर करता है? वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। ग्रोइंग एम्ब्रॉय को रिसीव करने के लिए यूट्रस हर महीने अपने आप को खुद ही प्रिपेयर कर लेता है। द लाइनिंग थिकेंस एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रॉय। अब जो एग इम्प्लांट हुआ था यूट्रस की लाइनिंग पे वो थिक होना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर बहुत सारा ब्लड हो जाता है जो किसमें हेल्प करता है, वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रॉय के लिए। जो एम्ब्रॉय है उसकी ग्रोथ के लिए जो ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है इनर लाइनिंग पे यूट्रस की, वो हेल्प करता है। द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेसेंटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। जो एम्ब्रॉय है, जो ग्रोइंग एम्ब्रॉय है, वो कहां से न्यूट्रिशन लेता है? वो न्यूट्रिशन लेता है अपनी मदर के ब्लड से। किसकी मदद से? विद अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। दिस इज अ डिस्क। जो प्लासेंटा है वो एक डिस्क है विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। जो प्लासेंटा है वो एक डिस्क की तरह है जो कहां पर एम्बेडेड होती है? यूट्रिन की वॉल के अंदर। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू। जो प्लासेंटा होती है वो विलाय को कंटेन करती है ऑन द मदर्स साइड्स आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाय। जो मदर की साइड होती है उसके अंदर ब्लड स्पेसेस होते हैं जो किसको सराउंड करते हैं? जो सराउंड करते हैं विलाय को। विलाय का फंक्शन आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, वही फंक्शन है, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जो ब्लड स्पेसेस हैं जो किसको सराउंड करते हैं? विलाय को। अब उनका फंक्शन आ गया है, उनका फंक्शन है दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस। जो ब्लड स्पेसेस हैं वो लार्ज सरफेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, जिससे वो मदर की बॉडी से पास हो जाएं किसके अंदर? एम्ब्रॉय के अंदर। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटांसिस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है वो जब न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसका वेस्ट भी डेवलप होएगा ही, तो जो उसका वेस्ट है वो रिमूव कैसे होता है? उसका वेस्ट जो है वो रिमूव होता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रॉय का वेस्ट होता है वो मदर के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है किसकी मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स। जो डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की मदर की बॉडी के अंदर वो कितना टाइम लेता है? वो टाइम लेती है 9 मंथ्स, 9 महीने
एक चाइल्ड को मदर की बॉडी के अंदर रहना होता है डेवलपिंग डेवलप होने के लिए. द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. अब जो चाइल्ड है वो बॉर्न कैसे होता है, वो बॉर्न होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से जो किस में होती है, यूट्रस के अंदर होती है. किसकी मदद से, मसल्स की वजह से. सो फ्रेंड्स ये था आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का बी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.